वैली जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। पहले तो थैंक यू सो मच ज्योति। थैंक काफी लंबे समय बाद आपको देख के काफी अच्छा लग रहा है। तो किस तरीके यू। से आप अपना ये लॉकडाउन का टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, मुझे बताइए एज एन आर्टिस्ट। ऑनेस्टली ज्योति, अभी इस लॉकडाउन में मुझे पता चल रहा है कि हमें कनेक्शन की कितनी ज्यादा जरूरत है। जी जब ये हमारे पास बहुत इजीली अवेलेबल था, या इवन समबडी लाइक मी जिनके लिए मैं इन एंड आउट ऑफ इंडस्ट्री रही हूँ, तो ये कनेक्शन था तो महसूस नहीं होता था। इस दूरी, ये दूरी महसूस नहीं होती। अब जाके जो है ये बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। तो जी जैसे कि आपने पूछा मैं क्या कर रही हूँ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस पीरियड आई एम रियली कनेक्टिंग विद ऑल द पीपल, यू नो। और एक मुझे ये टाइम मिला है एक तरह से ग्रेटफुल रहने के लिए, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, या यू नो माय फ्रेंड्स, एवरीबडी, एक तरह से ग्रेटफुल होने के लिए मुझे एक टाइम मिला है। और जो भी मेरे से जुड़े हुए थे पास्ट में, उन सारे लोगों से कनेक्ट करने का टाइम मिला है। तो मेरे लिए एक तरह से ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा है अब तक। जी और ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कनेक्शन की बात की, डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं आप सोच रही हैं कम बैक करने का, क्योंकि लास्ट हमने यारिया में देखा था और एक कोई तेलुगु फिल्म आपने की है, तमिल फिल्म, तो काफी लंबा समय हो गया है। तो कम बैक किस तरीके से, क्या कैरेक्टर्स प्ले करना चाहती हैं आप, कुछ ऐसा दिमाग में आपने रखा? यस ज्योति, एक्चुअली मेरे ख्याल से मैं एक तरह से अपने आप को फुलफिल और एक तरह से एक्सपीरियंस्ड अब मानती हूँ। तो मैं थोड़े चैलेंजिंग रोल्स करना चाहूंगी। तो एक जैसे आप एक मिस इंडिया के तरीके से आप आते हो इंडस्ट्री में, तो और वैसे वो एक 2010, 12, 13 का वो एक दौर भी था जब आप मोस्टली शो डॉल हो। अब जाके काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए हो, या यू नो डिजिटल मीडिया हो गया, तो आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज, या मेरे पास भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जो काफी चैलेंजिंग है, जिनके बारे में पहले कभी ऐसे मैंने भी नहीं सोचा था। शायद मेन स्ट्रीम हीरोइन सोचती भी नहीं थी। ये अब मैं अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हाथ में लेना चाहती हूँ, और ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो मैं अपने आप को कभी आगे देख के बोलो देखो मैंने ऐसे किया, और सी आई डिड इट वेल, यू नो। सो लाइक दैट आई आई जस्ट वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, न्यू, चैलेंजिंग। डेफिनेटली हम इंतजार करेंगे कि आप कम बैक करें। और OTT प्लेटफॉर्म की जैसे आपने बात की, डेफिनेटली क्योंकि जिस तरीके से ग्रो कर रहा है OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एज एन आर्टिस्ट आप किस तरीके से देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और साथ ही साथ फ्यूचर क्या लगता है आपको इंडिया में प्लेटफॉर्म? मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आया है। बहुत कम एक्चुअली ऐसे एक्टर्स होंगे जो उस एरा से गुजर चुके होंगे जो अभी बोल रहे होंगे नहीं, सिल्वर स्क्रीन ही सबसे बेस्ट नहीं है, होम स्क्रीन भी बहुत अच्छा है, मोबाइल स्क्रीन तो उससे भी अच्छा है, यू नो। सो लेकिन आई डेफिनेटली बिलीव, क्योंकि मैंने एक ऑडियंस की तरह इसे एक्सपीरियंस किया है, और मेरे ख्याल से स्पेशली इस लॉकडाउन में हर किसी ने ये महसूस किया है कि ये कितना एंटरटेनिंग हो सकता है, कितना एजुकेटिंग हो सकता है, और सिल्वर स्क्रीन से हमें कितना अलग और अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब जो है हमें ना वो जैसे कहते हैं ना खून टेस्ट कर लिया है, यू नो। सही अब हम सिर्फ 10 गाने भर के एक फिल्म नहीं बना सकते, यू नो। अब हमने एक ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन ऊपरी ऊपरी नहीं करना है, यू नो, जस्ट लाइक पूरा एक होल एक्सपीरियंस देना है। इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है इंडिया में, एंड एज एन ऑडियंस जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, एंड एज एन एक्टर जो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ इसे करने के लिए, एंड दिस इज द रीजन दैट आई एम डूइंग अ कमबैक, कि एक होलसम सिल्वर स्क्रीन टेलीविजन के अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी एक अच्छा मिले। एक तरह से मैं भी इस रेवोल्यूशन का एक एक्टिव हिस्सा बनना चाहती हूँ।
जी डेफिनेटली। तो हम आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहती हैं, दिल से चाहती हैं कि आप अगर कम बैक करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से करें। यस ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आपके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ कि मैं एक दो प्रोडक्शन के भी कॉन्सेप्ट्स सोच रही हूँ, और इनफैक्ट दे आर ऑलमोस्ट रेडी एंड बट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वालों के पास कोई कमी नहीं है ये पिकअप करने के लिए। सो एज एंड व्हेन जब ये पिकअप होगी, सो बट एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। सही आपने बोला, क्योंकि जिस तरीके से टैलेंट को पिक कर रहे हैं, मतलब जैसे यू नो जो रियल टैलेंट है, जो उनको लगता है कि इसमें काबिलियत है सारी, वही टैलेंट आ रहे हैं, और जिस तरीके के कंटेंट और उसके हिसाब से आर्टिस्ट को लाना, ये बहुत ही इसी वजह से कहीं ना कहीं ये ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड हम जैसे लोगों को ऐसे लग रहा है कि शायद हमने हमारा 100% दिखा नहीं पाए थे, यू नो वी आर नॉट एबल टू शो आवर 100%, तो हमको भी ऐसे लग रहा है कि चलो कुछ करना चाहिए। अभी एक मौका मिल रहा है, हर किसी को मौका मिल रहा है जी। जैसे अगर आप मेहनत करके छोटे शहर से आप अगर एक मिस इंडिया बनते हो, तो आप में मेहनत करने की तैयारी है और आप में वो मेंटेलिटी है कुछ करने की, तो मुझे लगता है कि फिर मैं इस फील्ड में भी कुछ कर सकती हूँ। डेफिनेटली, हमने आपके पिछले प्रोजेक्ट्स में आपको देखा है, जिस तरीके से आपने काम किया, तो हम चाहते हैं आपको देखना। और सयाली जी, एक और बात, जैसे आपने शुरुआत में यू नो आपने बोला कि मैं कहीं ना कहीं कनेक्शंस फिर से यू नो रिफ्रेश करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं कनेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो जिस तरीके से मुद्दा चालू हो गया है डिबेट नेपोटिज्म को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूंगी शुरुआती दौर पे क्या आपने कभी ऐसी चीजें फेस की या फिर कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ? यस ऑफ कोर्स, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा डायरेक्टली फेस करी है, क्योंकि अगेन मैं इंडस्ट्री में एज अ मिस इंडिया उतरी, तो मुझे एक फिल्टर ज़रूर मिला यू नो वो मिस इंडिया का, और एक थोड़ा सा स्क्रीनिंग ज़रूर मिला, लेकिन डेफिनेटली चाहे वो स्टार किड्स हो या ये हो, उन्हें जितने बार बार मौके मिलते हैं उतने हर किसी को नहीं मिल पाते हैं, नो सो वो एक डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, यू नो किसी को बहुत ज्यादा बिटर टेस्ट मिलता है एक्सपीरियंस में, और किसी को इतना, जैसे मैंने कहा मुझे इतना बिटर टेस्ट नहीं मिला, लेकिन हर कोई एक्सेप्ट करेगा कि भाई ये चीज जरूर है। खात्मा नहीं, लेकिन क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है उनमें, या स्टार किड्स में टैलेंट नहीं है या मेहनत करने की तैयारी है नहीं है, लेकिन डेफिनेटली पहले भी ऑडियंस एक जज रही है और अभी भी ऑडियंस एक जज रहेगी। जो अच्छा कंटेंट होगा, जो एंटरटेनर्स होंगे, उन्हें ही पिक किया जाएगा और उन्हें ही आगे ज्यादा चांसेस मिलेंगे। और ये इंडस्ट्री और ये करियर ऐसा है कि आपको रिपीटेडली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, रिपीटेडली आपको अच्छा करना पड़ता है, रिपीटेडली आपको ए प्लस ही रहना पड़ता है। तो जो ये रेस में इस तरह से दौड़ता रहेगा, करता रहेगा, उन्हें डेफिनेटली ऑडियंस ज्यादा पसंद करेगी। और अपने ख्याल से अब वो हमारे कंपटीशन में भी खड़े हो गए, यू नो अभी सबने साथ में दौड़ना, अभी ऐसे हो गया जी। जिस तरीके से ऑडियंस का रिस्पांस आ रहा है कि अब आंखें खुल गई है, लगता है ऑडियंस की, कि रियल टैलेंट को यू नो जो भी हो, चाहे कोई भी हो, बस टैलेंटेड होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना है। That's true. Because एक आर्टिस्ट को या स्पेशली इस फील्ड में जो कोई काम करता है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत वेट करता है कि भी हमारा काम देखे, पसंद करे और हमें भी एक इक्वल चांस मिले, यू नो और स्पेशली इस इंडस्ट्री में जो होता है कि वो जरूर इस बारे में ये करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस, मैं एक एज एन एक्टर कैमरा के सामने काम कर रही हूँ, तो मुझे तो कैमरा से तो कोई फीडबैक नहीं मिल रहा ना, एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस से ही फीडबैक मिलेगा, और हमारे लिए वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
डेफिनेटली ये सारी चीजें बदल रही है, जैसे आपने कहा आंखें खुल रही है, एंड ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है जी। और अगर कंटेंट की बात करो ओटीटी प्लेटफॉर्म की, चाहे बॉलीवुड में, आपने कितना चेंज देखा है कंटेंट के मामले में? मैं एक करेज जरूर देख रही हूँ, एक हिम्मत आ गई है अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की, जो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्म्स हो जाए, हम रियलिटी से मिलता जुलता कुछ दिखाना चाहते हैं, रियलिटी से मिलता जुलता कोई चीज लोग उसे पसंद करेंगे। ये जो बहुत डर रहे थे, हैप्पी एंडिंग्स कर रहे थे, यू नो ऑल द टाइम, यू नो हमेशा यंग लोगों की ही स्टोरी दिखाते थे, यू नो जैसे बस 20 साल का लड़का लड़की है कॉलेज के, बस उनका ही बस लाइफ, जैसे और किसी की लाइफ होती नहीं, और किसी की यू नो रिलेशनशिप्स होते नहीं है, यू नो जो बस सुंदर है, परफेक्ट फिगर में है, परफेक्ट मसल्स में है, उनकी स्टोरी होती थी। अरे ऐसे नहीं होता है, यू नो हर किसी की स्टोरी होती है, हर किसी के लिए होती है। सो और वो एक, जैसे मैंने कहा, एक पॉजिटिव रेवोल्यूशन आई। लोग कहीं ना कहीं हर किस्म की स्टोरी देखना चाहते हैं जिससे वो रिलेट कर सके, जिससे वो रिलेट कर सके, वो भी उन्हें एंटरटेन कर रही है, एंड दे आर आल्सो सरप्राइज्ड कि यार इससे भी मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। आपका आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है, जो आप काम करना चाहते हैं अभी तक आपने किया नहीं है, you know? कभी भी पीरियड सिनेमा में काम नहीं, एक्शन थ्रिलर हॉरर कॉमेडी रोमांस में तो काम कर लिया, लेकिन मैंने किसी पीरियड इसमें काम नहीं किया है। और मुझे लगता है जो ये पीरियड या बायोपिक्स जैसे हम करते हैं, उसमें जो एक्टर्स काम करते हैं उनकी मेहनत काफी तगड़ी होती है, तगड़ी होती है जी। हाँ, और उसे एक अच्छी तरह से दर्शाना एक अपने आप में बहुत अच्छा आर्ट है, क्योंकि आपने मुझे कैरेक्टर दे दिया कि चलो आप जैसे है ना, मोस्टली मेरे फिल्म्स में मेरा नाम सीमा रहा है, यू नो आई डोंट नो व्हाई, बट ओके चलो अबाउट 5+ फिल्म्स, चलो तुम्हें सीमा तो मुझ पर है, मैं सीमा को कैसे दिखाऊं, कैसे उसका चाल चलन करूं, कैसे उसकी टॉकिंग स्टाइल बनाऊं, ये मुझ पर है। लेकिन अगर एक सीमा ऑलरेडी है और मैंने उसके जैसे करना है, तो एज एन एक्टर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो एक होता है कि जैसे एक टाइप के एक्टर्स होते हैं जो मिमिक्री करते हैं, वो पढ़ लिख के कर करके वो 3 मिनट के लिए करना वो अलग है, लेकिन हर सिचुएशन की वो पीरियड ड्रामा या बायोपिक कुछ करना ये मुश्किल है, यू नो। एंड मुझे ये चैलेंज अभी तक मिला नहीं है, एंड जैसे मैंने कहा कि फिलहाल मैं बहुत हंगरी हो रही हूँ चैलेंजेस के लिए, सो दैट इज समथिंग दैट आई लाइक टू डू। अच्छा, जैसे कि आपने बायोपिक्स की बात की, तो किसी यू नो कोई पर्सनालिटी जिन जिनकी बायोपिक आप करना चाहती हैं, आपके लिए आप काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं उनसे, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी? कितने सारे हैं, यू नो जैसे एक बहुत अच्छा करियर स्पैन था, यू नो आफ्टर द अर्ली स्पैन ऑफ माधुरी दीक्षित, यू नो एक बहुत अच्छा करियर स्पैन था उनका, जब दिल तो पागल है वगैरह आई थी, सो वो एक बहुत अच्छा पीरियड रहा है, वो कुछ करना एक बहुत अच्छा रेखा का एक स्पैन रहा है, उन्होंने तो हर एरा में काम किया है, तो उनका कुछ रहा है समथिंग लाइक दैट। और इवन लाइक टू पिक अप पॉलिटिकल फिगर्स आप खुद को भूल जाए कुछ टाइम के लिए और उस कैरेक्टर में। ओके, ये भी जानना चाहूंगी कि उस लॉकडाउन में, मतलब हमने तो काफी सारी चीजें सीखी हैं कि यू नो बहुत सारी चीजें जैसे नेचर की वैल्यू करना, नो आपने आपको क्या कुछ सिखाया है ये लॉकडाउन में चीज थी जो मैंने महसूस करी है इन दिस लॉकडाउन,
अनदर थिंग दैट मैंने ये किया है, मैं अपने आप के बारे में डिस्कवर किया है दैट आई एम अ प्रीटी डिसेंट कुक. अगर हाउस हेल्प बहुत ज्यादा नहीं हो और कम हो, मैं काफी अच्छे से काम चला सकती हूँ. ये दो तीन चीजें मैंने अपने आप के बारे में बहुत अच्छे से नोटिस करी है जी. कहीं ना कहीं काफी सारे लोग अपने अंदर जो टैलेंट उन्हें पता नहीं था, धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है कि हाँ ये भी मैं इसमें भी अच्छी हूँ, उसमें भी अच्छी हूँ. आपने यू नो डिस्कवर किया आप कुकिंग अच्छा कर लेती हैं. यस, ये भी मैंने अभी महसूस किया, एक्चुअली रियलाइज किया, क्योंकि एवरीडे करते नहीं थे, एवरीडे किचन में जाते नहीं थे. अभी हाउस हेल्प कम होने की वजह से ऑलमोस्ट एवरीडे जाना पड़ता है. सो मैं जैसे मैंने कहा कि मुझे रियलाइज हो, और एक्चुअली मैं इससे काफी डरती थी बाय द वे. एक चलो मुझे लगता है चलो एक दिन ठीक है, अच्छी बिरयानी बन गई, चलो आज अच्छा ये बन गया वो बन गया, तो रोज रोज थोड़ी ना होता है यू नो, सुबह दोपहर शाम थोड़ी ना होता है, आज भी कल ऐसे थोड़ी ना होता है ना, आज मेरा लक लग गया, कभी लगता भी नहीं था. लेकिन कंसिस्टेंटली अच्छे से ये करना, आई थिंक यू नो मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए सेपरेटली. और सैली जी ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे आप अभी यू नो प्रोसेस में हैं कम बैक करने की, तो फिटनेस को लेकर अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कुछ यू नो फॉलो कर रही हैं? जैसे कि सब कहते हैं, एंड मैं तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था ऑन योगा. मैं अपना बहुत ज्यादा स्ट्रेस जिम वर्कआउट्स पे रखती थी, लेकिन आज जब ऐसे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, ये भी मैंने मोस्टली इंटरनेट से ही सीखा है कि हाउ यू कैन कंबाइन बोथ द फॉर्म्स एंड यू डोंट हैव टू चूज वन. पहले ऐसे था कि आइदर आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो टू चूज वन, बट नाउ देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस अवेलेबल एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस. सो आई विल से दैट आई एम डूइंग अडैप्टेड फॉर्म्स ऑफ योगा मिक्स्ड विद वेट ट्रेनिंग. सो आई एम हैविंग प्रीटी डिसेंट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एंड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो. कि जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप कुछ अच्छे से कर लेते हो या यू नो वो चीज कर पाते हो, यू नो योगा करते एक डिसेंट वेट लिफ्टिंग भी उसके साथ मिक्स कर लेते हो, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है. सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग करेंटली इन टर्म्स ऑफ फिटनेस. एंड मैं तो जितना बोलूं इंडियन फूड के लिए उतना कम है, क्योंकि मोस्ट सारी चीजों के लिए जैसे मैं पढ़ रही थी, देख रही थी इंटरनेट के लिए, इंटरनेट में कि वेस्टर्नर्स को बोलते हैं भाई बॉइल्ड सब्जियां खा लो और फिर ना उसके ऊपर जीरे की एक गोली खा लेना और फिर लहसुन की एक गोली खा लेना, अरे इससे अच्छा हमारी सुंदर सब्जी तो ले लो, यू नो सब सब्जी खा लो. सो फॉर हेल्थ आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर देन इंडियन कुकिंग, एंड चाहे स्किन हेयर वेट मैनेजमेंट किसी चीज के लिए भी हो, आपको बस ये ध्यान में रखना है कब कितना खा रहे हो और कैसी है उसमें तेल मसाला कैसा है, लाइक दैट. बट आई थिंक इट्स द बेस्ट फूड एंड वी आर वेरी लकी कि हमें डॉक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे सारी बीमारियों के लिए बॉइल्ड वेजिटेबल्स और इतने अदरक लहसुन की गोलियां नहीं दे देते एट द एंड ऑफ द डे, यू नो. ओके सैली जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को अपने तरफ से? मैं कहना चाहती हूँ दैट please watch my this when it comes and please support me. thank you so much हमसे बात करने के लिए, और अब बॉलीवुड स्पाई की तरफ से आपको all the best है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, स्पेशली आपके कमबैक के लिए. all the best. thank you ज्योति so much. thank you so much.